हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू सी फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल नेम रिएक्शन की, HBD। इट्स नॉट हैप्पी बर्थडे, यह है हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा है, नाम ऐसा क्यों मिला देख लेंगे बाद, रिएक्शन के मैकेनिज्म देखते हुए वो भी देख लेंगे। एक जाहिर सी बात है, हॉफमन जो है वो तो एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमको ये देखनी है कि इस रिएक्शन में आप रिएक्टेंट क्या यूज़ कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट क्या है और रिएजेंट क्या यूज़ करोगे। सो बेसिकली ये रिएक्शन जो है वो होती है अमाइड्स के साथ, ठीक है। अमाइड्स RC OH2 कार्बोनिल को जब अमाइन ग्रुप अटैच होता है आप उसे कहते हो अमाइड। ये अमाइड होता है 1 डिग्री, जिसे प्राइमरी भी हम बोलते हैं। 1 डिग्री बताने की, 1 डिग्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की जो 3 वैलेंसीज है उसमें से एक वैलेंसी, सिर्फ एक वैलेंसी जब कार्बन से सेटिस्फाई होती है, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हैं, आप उसे आप प्राइमरी बोलते हैं या 1 डिग्री लिखते हैं उसे। तो ये 1 डिग्री अमाइड आपको एक प्राइमरी अमाइन देगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गिव योर प्राइमरी अमाइन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको एक चीज कम लग रही होगी, जो कि है ये कार्बन। जो कार्बोनिल कार्बन है वो कम हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। एक कार्बन निकल रहा है, डिग्रेड हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिग्रेडेशन। और ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड को इसमें डालने की जरूरत, मतलब ये है उसका, क्योंकि दिस रिएक्शन गोज वाया एडिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अ ब्रोमाइड आयन, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम है हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब हॉफमन नाम के साइंटिस्ट ने इसे इन्वेंट किया था, तो इसलिए उनके नाम पर ये रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमाइन मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ Br2KOH। इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्रोमाइड आयन, ठीक है, OBr-, जिसे KOBr भी लिखा जाता है। इसलिए मे बी रिएक्शन में अगर आपको कंडीशंस Br2KOH दी है तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर आपको रिएक्शन में कंडीशंस ऐसे भी मिलती है कि KOBr मिलता है आपको, तो भी ये रिएक्शन हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ही होगी अगर आपको KOBr अमाइड के साथ दिया जाता है, फाइन, 1 डिग्री अमाइड के साथ। तो अब चलो चलते हैं हम इसके मैकेनिज्म की ओर। सो इस मैकेनिज्म में दोस्तों हमें एक स्पेशल स्पीसीज देखने को मिलेगी, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड। अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप इसे इजी वे में याद रख सकते हो, अगर नहीं भी पता है तो डोंट वरी, वाइल गोइंग टू द मैकेनिज्म आई विल टेल यू। तो इसे हम थोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म। अभी मैकेनिज्म देखने के लिए पहली चीज़ तो है हमें स्टार्टिंग लिखना है, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर ये मिल गया हमारा C(OH)NH, एच स्प्लिट करके लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी। अभी आपके पास देखो KOH है, KOH में क्या होता है, OH होता है, OH हमेशा माइनस होता है, जो कि बेसिक होता है। अगर वो बेसिक है तो वो आपका एसिडिक प्रोटॉन को ढूंढेगा। नाइट्रोजन को जो भी प्रोटॉन अटैच है वो सब एसिडिक है, दोनों भी प्रोटॉन्स, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। एंड मोर ओवर जब आपको ये ऐसे मिलेगा, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर जब निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर देखिए ये ऐसे मिल रहा है हमें, और ये निगेटिव चार्ज जो कि इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये इस कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन में स्टेबिलाइज्ड है, इसलिए कॉन्जुगेट बेस भी इसका स्टेबल है, तो वो प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक हो चुका और ये रिएक्शन आ गई। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल है। ब्रोमीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये एक Br है, ये एक Br है, जिसमें से एक हल्का डेल्टा निगेटिव होगा, एक हल्का डेल्टा पॉजिटिव होगा। मतलब डेल्टा पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ये Br- चला जाता है। ये Br- जो है ये बन रहा है आपका KOBr, वो कैसे बनता है देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो इसमें आपको मिलता है RC(OH)NH, H को नीचे लिख देते हैं और ये सामने आपका Br, ठीक है। थोड़ा सा हल्के से कैमरा उधर लेता हूँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नाउ। अब ये जो स्टेप हम देखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और एक्चुअली दिस इज व्हाट द की स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। यही पर सब जो झोल झमाल होता है, इसमें आपको पूरी, मतलब रिएक्शन में याद क्या रखना है, रिएक्शन में आपको कार्बोनिल को निकाल देना है, वो निकलता कैसे है इस स्टेप में देखेंगे। और एक्चुअली ये स्लो स्टेप है, इसलिए यही RDS होती है इसकी, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और इस रिएक्शन की स्टेप भी यही है, ठीक है। अब अच्छे से समझ लेना दोस्तों, देखो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब जो ये आपका कार्बन है,
ये अटैच है ऑक्सीजन से, ये अटैच है नाइट्रोजन से, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स के बीच में फंसा है, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक है, फाइन। और अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये सामने से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है वो अपनी लोन पेयर इसे दे देता है, दे दी इसने लोन पेयर। इसके बाद क्या होगा, अभी कार्बन के पास पहले से चार बॉन्ड थे, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड मिल रहा है तो एक ब्रेक होना चाहिए। आप अगर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो फिर से फॉर्म होके उसके बाद क्या होगा, ये जो अल्किल ग्रुप है ये अपने बॉन्ड के समेत विथ इट्स ओन बॉन्ड विथ इट्स टू इलेक्ट्रॉन्स इट गेट्स शिफ्टेड टू द नाइट्रोजन एंड ब्रोमिन गेट्स डिस्पैच्ड। अब जो प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन के पास आपका अल्किल ग्रुप आ रहा है, इसके बगल में यहाँ पर कार्बन है जिसके पास पहले से एक बॉन्ड था, नया एक बॉन्ड बन रहा है, और उसके बाद सॉरी उसके बाद आपको एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है जो कि था वैसे ही। आई होप इट्स क्लियर नाउ व्हाट हैपेंस। और हाँ ऑब्वियसली और यहाँ तक बन गया। एक बात रह गई मुझसे दोस्तों, सॉरी, ये जो आपका हाइड्रोजन था ना यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, ये जो आपका Br- निकल गया वो इसे ले लेता है और उसके बाद इस पर एक निगेटिव चार्ज आता है, लोन पेयर से प्रमोट होता है और फिर उसे सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन निकल जाता है, और उसके बाद ये मैकेनिज्म ऐसे ही आता है एंड फाइनली यू आर गेटिंग अ स्टेबिलाइज नाइट्रोजन, सबकी वैलेंसी स्टेबल हो चुकी है। उसके बाद जो कि आप KOH यूज़ कर रहे हैं, KOH का सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो उसमें वाटर तो होगा ही होगा, तो ये वाटर क्या करता है, हाँ उससे पहले ये जो गैस है ये है आइसोसाइनेट बोलते हैं हम इसे, इस स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट। और ये आइसोसाइनेट रिस्पॉन्सिबल था भोपाल ट्रेजेडी में, इस अल्किल की जगह मिथिल अगर आप रख देते हो तो इसका नाम हो जाता है मिथिल आइसोसाइनेट, और ये गैस थी भोपाल ट्रेजेडी के पीछे रीजन। तो इसके बाद क्या होगा, ये इस पर अटैक कर लेगा और ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर ब्रेक हो जाएगा, फाइन। तो हम लिख लेते हैं इसे, ये रहा आपका O, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा C, सिंगल बॉन्ड N, N के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, अभी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, उसके आगे था R, और यहाँ पर आपकी नई स्पीसीज आ रही है OH, और जो कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद नाइट्रोजन को एक कोई तो बॉन्ड बनाने वाला चाहिए, और ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो चुका है, मतलब एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो ऑक्सीजन बेचारा उस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ शेयर कर देता है और दोनों भी स्टेबलाइज हो जाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज़ बड़ी आ रही है इसमें से। तो इसके बाद हमें मिल रहा है ये OCOH NH एंड R, इसे कहा जाता है कार्बामिक एसिड। एंड आफ्टर दिस इसे आप अगर आप हीट करते हो, ये कार्बामिक एसिड बन गया आपका, फाइन। इसे अगर आप हीट करते हो तो विद एक्सेस हीट ये चला जाता है एज अ CO2, CO2 गैस इवॉल्व हो जाता है इसमें से, ये ना ये हाइड्रोजन इसके पास आज ये हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम से नाइट्रोजन के पास आ जाता है और आपको फाइनली मिलता है RNH2। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था। तो देखिए हमारे स्टार्टिंग में एक कार्बोनिल एक्स्ट्रा था, लेकिन प्रोडक्ट में वो कार्बोनिल नहीं है जो कि डिग्रेड हुआ है, और उसे डिग्रेड करने के लिए ये सब किया है। एक सिंपल सी स्टोरी में हम इसे याद रख सकते हैं कि भाई ये जो अल्किल है और ये NH2 है, इनकी लव स्टोरी मान सकते हैं, और इनके बीच में एक दीवार बन के खड़ा है कार्बोनिल जो उनका विलन है, उस विलन को हटाने के लिए ये दोनों क्या करते हैं, अपने दोस्तों की मदद लेते हैं, जो दोस्त है उनके ये Br2 था, ये KOH था, तो उनकी मदद से उनकी लव स्टोरी फाइनली सक्सेस हो जाती है। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। इसके बाद हम दो तीन प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे। आई होप इट इज़ क्लियर विथ यू। अगर नहीं है तो रिएक्शन का थोड़े रिएक्शन के लिए मतलब एक रीटेक कीजिए, आप फिर से देख लीजिए, मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अभी जनरल रिएक्शन तो आपके सामने मैं वैसे ही रखूंगा और उसी के बेस पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए आपको दिया है बेंज अमाइड और इसके साथ आपको मिलता है Br2 KOH एंड एक्सेस हीट। तो इसका प्रोडक्ट आपको क्या लिखना है, जनरल रिएक्शन देखिए, इसमें से कार्बोनिल को हटाना है, हटा दीजिए, बेंजीन रिंग लिख दी मैंने जो कि आपका R भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, और इसके आगे NH2 लगा दिया, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया आपका, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, एनिलीन, फाइन। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि उन्होंने स्टार्टिंग भी दिया है आपको और प्रोडक्ट भी दिया है, उन्होंने दिया है आपको COOH
और उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिला है एनिलीन, मतलब आपको बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। कुछ ऑप्शंस दिए थे और उसमें से आपको एक सही सीक्वेंस, रिएजेंट का एक सही सीक्वेंस चुनना था। ठीक है, अब भाई आपको ये जो बनाना है, एनिलीन बनाना है, उसके लिए आपको ये चाहिए, मतलब क्या चाहिए आपको, अमाइड चाहिए, बेंजामाइड चाहिए। अभी आप इसे बेंजामाइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप ये देखो ना कि आपको इस OH को, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस OH को आपको NH2 से रिप्लेस करना है। NH2 का सोर्स क्या है आपका, अमोनिया NH2 का सोर्स हो सकता है, तो जाहिर सी बात है अमोनिया ले लो, हीट कर दो ज़्यादा, तो इससे ये बन जाएगा। और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, उसके बाद क्या लगेगा, Br2 लगेगा, Br2 ले लो, Br2 के OH ले लो, आपको आपका एनिलिन मिल जाएगा। तो ये तो थे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन था, थोड़ी सी अलग लेवल का था लेकिन इजी था। उसमें आपको क्या पूछा था, उसमें आपको तीन स्ट्रक्चर्स दिए थे। तो दोस्तों ये थे आपके स्ट्रक्चर्स 1, 2 एंड 3। इसमें से आपको पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट वुड अंडरगो HBD रिएक्शन, हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहले सबस्ट्रेट की बात करते हैं हम। पहले सबस्ट्रेट में आपको अमाइड के साथ ब्रोमाइन ब्रोमीन मिला, मतलब ब्रोमामाइड मिला है, लेकिन यहाँ पर एक मिथिल ग्रुप दिया है। हम क्या बोले थे, आपको एक प्राइमरी अमाइड चाहिए, यहाँ पर एक सेकेंडरी अमाइड है, सॉरी ये एक टर्शियरी अमाइड बन रहा है, बात नहीं बनेगी, नहीं जाएगा। ये देखिए हमारी सबस्ट्रेट से मिल रहा है NH2 है, CONH2 है, तो ये जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी अमाइड है, प्राइमरी अमाइन दे देगा। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको प्राइमरी अमाइड नहीं मिल रहा है, आपको आपके नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन आप गौर से देखिए ये दूसरा ब्रोमाइड है, मतलब एक स्टेप पहले से ही करके दिए उन्होंने आपको। आपको क्या किया उन्होंने, वो OH ने हाइड्रोजन निकाल लिया, ब्रोमिन आ गया, तो पहले से एक स्टेप करके दिए और उसके बाद आपको दूसरी स्टेप करनी है, तो ये भी पक्का जाएगा। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड, होप यू गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट, एंड अगली रिएक्शन में लेके आऊंगा जल्दी। टिल देन स्टे एंजॉय, सॉरी एंजॉय द केमिस्ट्री, स्टे हैप्पी एंड बी प्रिकॉशियस अबाउट द कोरोना। सो थैंक यू।